मोबाइल कस्टमर्स को बड़ी राहत। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं, अब देना होगा 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान। 28 दिन की वैलिडिटी अब नहीं चलेगी, 60 दिनों के अंदर लाना होगा प्लान। तो ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स के लिए राहत की खबर आ गई है, क्योंकि अब कंपनियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान देना होगा, 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान नहीं चलेगा, 60 दिनों के अंदर ये निर्देश पालना करना पड़ेगा इन निर्देशों की। तो 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान जो है अब दोबारा से लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ट्राई की तरफ से कहा गया है कि 28 दिन की ये वैलिडिटी अब नहीं चलेगी, 60 दिन के अंदर 30 दिन का प्लान, 30 दिन वाला प्लान दोबारा से लाना होगा। तो प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स को बड़ी राहत, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। तो 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान अब दोबारा से लाना ही होगा, ये कहा है ट्राई कंपनी की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को। यानी कि जो 28 दिनों वाला प्लान था अब उसको बंद करना होगा। तो ट्राई का आदेश, और इस आदेश से हम आपको बता दें मोबाइल कस्टमर्स को एक बड़ी राहत मिली है। तो ट्राई की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि अब 28 दिन का प्लान नहीं चलेगा, अब पूरे 30 दिन का प्लान लाना होगा। तो विनय सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट इस खबर पर आ रही है और इसके कस्टमर्स के लिए कितनी राहत समझी जाए। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है मोबाइल यूजर के लिए, और खास तौर पे जो प्रीपेड प्लान इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मोबाइल ऑपरेटर्स का, उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए जो कस्टमर हैं मोबाइल्स के, मोबाइल्स यूजर्स, वो लगातार ट्राई से अपील कर रहे थे कि 28 दिन के पैसे लिए, 28 दिन का जो प्लान है वो दिया जाता है और पैसे पूरे लिए जाते हैं। इसी बात को लेकर लगातार अपील की जा रही थी कस्टमर को लेकर, जिसके बाद ट्राई ने फैसला लिया है कि और सभी मोबाइल ऑपरेटर को ये नियम अब लागू करना होगा। ट्राई ने सभी मोबाइल ऑपरेटर को लेटर लिखा है और कहा है कि कम से कम 30 दिन का एक प्लान सभी मोबाइल ऑपरेटर को देना होगा। अभी तक क्या होता था कि मोबाइल ऑपरेटर पैसे महीने भर के लेते थे, लेकिन 28 दिन यानी कि 2 दिन कम का डाटा देते थे, या फिर जो टॉक का जो वैल्यू है वो कम देते थे 2 दिन की, जिसकी वजह से अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति 28 दिन के रिचार्ज कराता है तो उसको पूरे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था, लेकिन अब 12 महीने में 12 रिचार्ज कराने पड़ेंगे 30 दिन के हिसाब से। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लगातार ट्राई ने सख्ती की है, ट्राई ने सभी मोबाइल ऑपरेटर को ये कहा है कि उनको अब कम से कम 30 दिन का प्लान लाना होगा, चाहे वो रिचार्ज का हो या फिर वो वाउचर हो। इस तरह की स्कीम का फायदा सीधे सीधे कस्टमर को मिलेगा। प्रीपेड मोबाइल अधिकतम लोगों को देखा है कि प्रीपेड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और कई लोग सिर्फ महीने भर का रिचार्ज कराते हैं, अब उनको एक महीने के रिचार्ज में पूरे 30 दिन का बेनिफिट मिलेगा। जी विनय, आपसे जानना चाहेंगे किसी तरह से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी क्या? देखिए, अभी किसी तरह की टर्म एंड कंडीशन नहीं है। 30 दिन का जो प्लान होगा उसके लिए जो टॉक टाइम है वो भी देना होगा, और अगर उसमें नेट वैल्यू है, क्योंकि अलग अलग जो ऑपरेटर हैं, चाहे वो जियो की बात की जाए, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर MTNL, BSNL, सब के जो नेट के वैल्यू है वो 30 दिन के हिसाब से अलग अलग होती है। टॉक टाइम की बात की जा रही है या फिर जो इनकमिंग सुविधा है वो 30 दिन के हिसाब से चलेगी, और मिनिमम जो इनकमिंग रहेगी वो 30 दिन की रहेगी। अगर 30 दिन पहले टॉक टाइम खत्म भी हो जाता है तो भी 30 दिन तक फोन चालू रहेगा। अभी तक 28 दिन तक की ये सुविधा होती थी, ये तमाम सुविधाएं 28 दिन की होती थी, लेकिन अब 2 दिन एक्सटेंड किए हैं, और ये 2 दिन अगर बात की जाए 12 महीनों की तो पूरे 24 दिन बन जाते हैं, यानी कि 1 महीने का सीधा सीधा यहाँ पे कस्टमर को फायदा होगा। जी बिल्कुल, यानी कि 1 महीने का जो है एक्स्ट्रा रिचार्ज करा सकेंगे, और कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए राहत भरी खबर तो है ही। लेकिन अगर खुद टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, टेलीकॉम कंपनियों की बात करें, तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नुकसान होगा।
देखिए दो दिन बशर्ते एक आदमी के हिसाब से कुछ नहीं हो, लेकिन अगर यही दो दिन अगर लाखों यूजर्स के हिसाब से हैं तो 2 लाख दिन बन जाते हैं और कहीं ना कहीं मोबाइल ऑपरेटर को या फिर कह रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों को इसका नुकसान तो ज़रूर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के हिसाब से 2 दिन कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी मोबाइल टेलीकॉम कंपनी के लाखों यूज़र हैं और अगर उनके लाखों के हिसाब से 2 दिन जोड़ा जाए तो अच्छी खासी दिन बन जाते हैं, तो उनको नुकसान ज़रूर होगा। और इसी वजह से ही यही वजह है कि जो 1 महीने के रिचार्ज के पैसे लेने के बदले 28 दिन जाते थे, 28 दिन में से जो 2 दिन बचते थे उससे कंपनियों को फायदा होता था। इसी को लेकर लगातार अपील की जा रही थी ट्राई से ये अप्रोच की जा रही थी कि 30 दिन किए जाए मिनिमम रिचार्ज, कम से कम एक प्लान 30 दिन का हो। ऐसे में सभी उन लोगों को फायदा है जो अपना मोबाइल 30 दिन के लिए रिचार्ज कराना चाहते थे लेकिन उनको 28 दिन मिलते थे। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी को इसमें नुकसान जरूर होगा। जी अनिल, देखा जाता है जब भी आप कोई भी फ़ोन रिचार्ज कराते हैं, आप 28 दिनों का कराएं, 30 दिनों का कराएं, 128 दिनों का कराएं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ GB ये भी फ्री दिया जाता है। ऐसे में क्या इन तमाम चीज़ों पे भी बदलाव आएगा? देखिए ट्राई की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो सिर्फ वैलिडिटी यानी कि वैधता को लेकर किया गया है, जो कि 28 दिन की मिनिमम प्लान की होती थी, अब उस 28 दिन को 30 दिन किया गया है। बाकी जो अन्य जो प्लान में चीज़ें मिल रही थी, चाहे वो टॉक टाइम की बात की जाए या फिर इंटरनेट की बात की जाए, वो एज इट इज रहेंगी, लेकिन वैलिडिटी को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 28 दिन की जगह 30 दिन की वैलिडिटी किया गया है। अब क्योंकि 28 दिन की जब वैलिडिटी होती थी तो कस्टमर का जो मोबाइल की इनकमिंग है वो 28 दिन बाद कहीं ना बंद होने लगती थी, उसके लगातार कॉल आने लगते थे रिचार्ज के लिए, लेकिन अब ये 2 दिन एक्सटेंड किए गए हैं तो जाहिर तौर पर बात है इसका सीधा फायदा कस्टमर को होगा। जी सीधा फायदा कस्टमर्स को होगा। और अगर टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो माना जाए कि जियो और एयरटेल को, एयरटेल और जियो पर ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए अभी बात की जाए कंज्यूमर्स की तो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर इंडिया में जियो के हैं, उसके बाद एयरटेल और वोडाफोन इंडिया, MTNL, BSNL ये तमाम कंपनियां आती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी कंज्यूमर मोबाइल के जियो के हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान भी जियो को होगा। और बाकी अगर नुकसान की बात की जाए, क्योंकि तो कहीं ना कहीं सभी मोबाइल टेलीकॉम कंपनियों को इसका नुकसान होगा, हालांकि अब देखना है कि वो कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि अमूमन देखने को आता है कि जब भी ट्राई की तरफ से कोई सख्ती की जाती है, कंज्यूमर को बेनिफिट के लिए कोई प्लान लाया जाता है, तो टेलीकॉम कंपनियाँ कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं। अब देखना होगा कि क्या वो 30 दिन की जो वैलिडिटी देंगे क्या उसका प्राइस बढ़ाते हैं, 28 दिन वाला ही प्राइस रहता है, टॉक टाइम कितना मिलता है, इसके अलावा जो इंटरनेट वैल्यू है वो कितनी मिलती है, देखना हो कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो किस तरह से रास्ता निकालते हैं कि उनका नुकसान भी ना हो और कंज्यूमर का फायदा भी हो। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, तो आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ट्राई की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब 28 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान जो है वो खत्म कर दिया जाए और 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान को शुरू किया जाए। हम आपको बता दें कि इस हिसाब से 1 महीने का जो कूपन रिचार्ज कराया जाता है या फिर 1 महीने का जो पैसा दिया जाता है वो सीधा कस्टमर्स का बचेगा और कहीं ना कहीं इससे टेलीकॉम इंडस्ट्री को नुकसान ज़रूर होगा। टेलीकॉम कंपनियों का मौजूदा प्लान जो है 28 दिन की वैलिडिटी होता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को 1 साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। ट्राई के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से 1 साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी, ऐसा होने से ग्राहकों के 1 महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज का पैसा बच जाएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है JNKSI भर्ती घोटाला मामले से, जहां पर CBI का एक्शन, यूपी, हरियाणा और दिल्ली समेत 33 ठिकानों पर CBI के छापे मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल और रेवाड़ी में CBI की रेड पड़ी है, करनाल के सेक्टर 9 में CBI की रेड है और रेवाड़ी में CA अजय कुमार एरन के घर पर भी रेड मारी गई है। तो JNKSI भर्ती घोटाला मामले की CBI एक्शन, हम आपको बता दें कि CBI जो है तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत 33 ठिकानों पर CBI की छापेमारी चल रही है। फिलहाल हरियाणा के करनाल और रेवाड़ी में CBI की रेड पड़ी है और ये 2 तस्वीरें हैं करनाल से और दूसरी तस्वीर रेवाड़ी से, जहां पर अलग अलग जगहों पर जो है CBI के छापे पड़ रहे हैं। JNKSI भर्ती घोटाले से जुड़े मामले से
छापामारी की जा रही है। सीबीआई की तरफ से करनाल और रेवाड़ी में छापेमारी की गई। इसके अलावा 33 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर सीबीआई छापामारी कर रही है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत 33 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। हरियाणा के करनाल और रेवाड़ी में सीबीआई की रेड, करनाल के सेक्टर 9 में सीबीआई की रेड और रेवाड़ी में सीए अजय कुमार एरन के घर पर सीबीआई की रेड। हिमांशु नारंग हमारे साथ करनाल से संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीआई की रेड जारी है जेएनके एसआई मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, काफी घंटे हो चुके हैं, सीबीआई की जो टीम है वो करनाल के सेक्टर 9 में घर में पहुंची है। जानकारी प्राथमिक तौर पर यही मिल रही है कि जब सीबीआई की रेड उस घर के अंदर लगती है तो उस घर के अंदर शायद कोई भी नहीं था, और जो उस घर की महिला है वो पेशे से टीचर है। अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी सामने निकल कर आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, वो भर्ती रद्द हो जाती है और उसमें कई अधिकारियों के, कर्मचारियों के नाम सामने आते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर सर्विस बोर्ड के कमीशन के जो पूर्व के चेयरमैन रहे हों या फिर जो जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी हैं उनके नाम सामने आते हैं, क्योंकि अनियमितताएं पाई गई थी इस पूरी भर्ती के दौरान। और उसमें करनाल का जिक्र हो रहा है, रेवाड़ी का जिक्र हो रहा है, महेंद्रगढ़ का जिक्र हो रहा है, देश के अलग अलग 33 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। हालांकि अभी सीबीआई का कोई अधिकारी बाहर नहीं आया है जो पुख्ता तौर पर ये बता सके कि उन्होंने करनाल में क्या क्यों रेड की है, करनाल का कनेक्शन इस भर्ती के साथ क्या है। लेकिन जरूर अगर उन्हें कुछ दस्तावेज बरामद होते हैं, कुछ कागजात बरामद होते हैं, वो अपने कब्जे में लेकर जाएंगे और उसकी जो परतें हैं फिर वो कड़ियां जो है वो खुलती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से अनियमितताएं पाई गई थी, क्योंकि बेंगलुरु का नाम सामने आ रहा है और बेंगलुरु की एक निजी कंपनी ने प्रश्न पत्र सेट किया और उसका जो लाभ है उसमें जो परीक्षार्थी बैठे थे एसआई की परीक्षा के अंदर उन्हें पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, इन तमाम जिलों का, इन तमाम शहरों का क्या कनेक्शन है, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आप बने रहिए हिमांशु हमारे साथ। हमारे साथ रेवाड़ी से हमारे संवाददाता नवीन भी जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या अपडेट मिल रहा है रेवाड़ी से? जी, बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी वो सीबीआई उस मामले में रेड कर रही है। रेवाड़ी के मॉडल टाउन में 246 नंबर जो मकान नंबर है उसमें रेड की गई है। सीए अजय कुमार एरन के घर पे ये रेड है, जो पूरे देश में अब 33 जो स्थान है उन पर सीबीआई की रेड चल रही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और करनाल इसमें शामिल है। अभी तो कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया है कि क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन बहरहाल अंदर रेड जारी है और अंदर ही पूरा परिवार बंद है। जी चलिए नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं करनाल से, हिमांशु नारंग। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले महीने भी सीबीआई की रेड अलग अलग ठिकानों पर पड़ी थी, माना जाए कि अब उसी की कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो आगे अब 33 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जी, पिछले महीने जो जानकारी मिली थी वो 30 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी और जम्मू कश्मीर के कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें जम्मू का नाम है, सांबा का नाम है, राजौरी का नाम है, वहां पर प्रतिशत से ज्यादा असामान्य रूप से लाभार्थी जो उस परीक्षार्थी थे उन्हें लाभ मिला था। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर 100 परीक्षार्थियों की वहां से भर्ती होनी थी तो वहां से 130 से 140 परीक्षार्थियों की भर्ती हुई थी, जो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी को दर्शाता है, एक अनियमितता को दर्शाता है। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर सर्विस बोर्ड कमीशन के पूर्व चेयरमैन हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी बताई जा रही है कि उन्होंने किसी बेंगलुरु की निजी कंपनी के साथ कोई सांठगांठ की, तो वो उन्हीं दस्तावेजों को खंगालने के लिए, उन्हीं दस्तावेजों को जुटाने के लिए सीबीआई उन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जहां से सीबीआई को लग सकता है कि कोई क्लू मिल सकता है, कोई सबूत मिल सकता है। और वहां के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने उस भर्ती को रद्द भी कर दिया था, क्योंकि भर्ती में जब भी अनियमितताएं या गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो कई बार मामला कोर्ट में चला जाता है, कई बार सरकार ही उसे रद्द कर देती है, या वहां पर जो भी शासन लगा होता है वहां पर जो उस समय ऑथराइज होता है कोई भी अधिकारी या कोई भी नुमाइंदा वो उस भर्ती को रद्द कर देता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर
कश्मीर के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन कौन कौन उसमें शामिल था, किस तरीके से शामिल था, किसकी क्या भूमिका थी, वो भूमिका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र कैसे सेट हुआ, उन परीक्षार्थियों तक कैसे पहुंचा या फिर कोई नकल हुई थी। तो ये तमाम चीजें हैं वो सीबीआई खंगालने का प्रयास कर रही है सुबह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गैंगस्टर काला राणा के पिता को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। गैंगस्टर के घर एनआईए की रेड देर रात हुई खत्म। एनआईए ने काला राणा के परिवार से की पूछताछ। काला राणा के पिता को हिरासत में लिया गया। हथियार और डॉक्यूमेंट की बरामदगी की खबर सोमवार सुबह से गैंगस्टर काला राणा के घर पर चल रही थी एनआईए की रेड। तो एनआईए की रेड लगातार अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है एनआईए की टीम और गैंगस्टर्स के घर एनआईए की रेड लगातार हो रही है और इसी के चलते काला राणा के परिवार से भी पूछताछ की गई। वहां से उसके पिता को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके घर से हथियार और डॉक्यूमेंट्स की भी बरामदगी की गई है। सुनील कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, किसी तरह का कोई खुलासा हुआ है? जी, आपको बता दें कि अभी जो है काला राणा के पिता जोगेंद्र को जो है सिविल अस्पताल में लाया गया था मेडिकल के लिए। इसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है उन्हें रिमांड पर लेगी और जिसके बाद जो है बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। चलिए सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो गैंगस्टर काला राणा के पिता को कोर्ट में पेश अब पुलिस करेगी और हम आपको बता दें कि गैंगस्टर के घर में एनआईए की रेड देर रात खत्म हुई। तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है